कुवैत में धू-धू कर चलती इस इमारत में भारत के कई परिवारों की खुशियां भी जलकर राख हो गईं। ये वो हादसा है जिसके चलते भारत के कई घरों में मातम पसर गया। तस्वीरें कुवैत के मंगाव शहर की हैं, जहां भारतीय मजदूरों के एक कैंप में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 40 से अधिक भारतीयों की मौत हुई है और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये हादसा कुवैत के वक्त के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे हुआ। हादसे की वजह इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद किचन में आग लगना रहा, जो देखते देखते पूरी इमारत में फैल गई। वैसे तो आग पर काबू पा लिया गया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए खुद कुवैत के उप प्रधानमंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। وانا الحين بكلم مدير البلديه مباشر من الحين انا اتكلم حق اصحاب العقارات كلها. मामला भारत से जुड़ा होने की वजह से भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कुवैत में मौजूद भारतीय दूतावास ने इस घटना के बाद एक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस बीच यहां के उप प्रधानमंत्री ने बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि जिस इमारत में हादसा हुआ है उसमें 150 से अधिक लोग रह रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि घायलों और मृतकों की तादाद और बढ़ सकती है। ये बिल्डिंग NBTC ग्रुप ने किराए पर ली थी, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है। मरने वाले 40 भारतीयों में केरल और तमिलनाडु के लोग सबसे ज्यादा थे। आंध्र प्रदेश उड़ीसा से लौटकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हादसे को लेकर एक रिव्यू मीटिंग की, जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर भी शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम्स।